खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां फिर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर मुसीबत आ पड़ी है। लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में रामपुर के जौहर शोध संस्थान को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें उनकी जौहर संस्थान की जमीन को वापस लेने की तैयारी चल रही है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं इस खबर में। कभी सपा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे आजम खान का बुरा समय खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सपा सरकार में अगर किसी की सबसे ज्यादा तूती बोलती थी तो वो नाम था आजम खान का। लेकिन सपा सरकार के जाने के बाद से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। अब वो एक के बाद एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अब मौलाना अली जौहर परीक्षण एवं शोध संस्थान की जमीन भी वापस लेने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक रामपुर में मौलाना अली जौहर परीक्षण एवं शोध संस्थान की जमीन अब योगी सरकार वापस लेगी। शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में अल्पसंख्यक विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। ये जमीन मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को दी गई थी। ट्रस्ट ही संस्थान चलाता था और सपा नेता आजम खान इस ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह के मुताबिक इस जमीन को उर्दू, अरबी और फारसी जैसी भाषाओं में शोध के नाम पर लिया गया था, मगर जब जांच हुई तो इसका इस्तेमाल इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाने के लिए किया जा रहा था, ऐसा जांच में सामने आया, और जो नियमों के विपरीत है, जिसकी स्थानीय स्तर पर शिकायत की गई। फिर पहले राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने और फिर SIT ने मामले की जांच की थी। SIT ने आरोपों को सही पाया। इसी आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है। ये जमीन 100 साल की लीज पर दी गई थी। बताया जा रहा है कि सरकार जौहर शोध संस्थान से करीब 13,000 वर्ग मीटर जमीन वापस लेगी। इसमें 4,292.7 वर्ग मीटर में निर्माण किया गया है, जबकि 8,887.93 वर्ग मीटर जमीन खाली है। इस जमीन पर 160 कमरे बने हुए हैं। इनमें प्रशासनिक भवन और दूसरे भवन भी शामिल हैं। हालांकि सरकार ने अभी ये तय नहीं किया है कि इस जमीन को और भवनों का इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाएगा। जमीन का पट्टा फरवरी 2015 में किया गया था। संस्थान को जमीन देने के लिए उस दौरान किए गए शासनादेश को भी निरस्त करने का फैसला किया है। जाहिर है कि आजम खान को अदालत ने भड़काऊ भाषण मामले में 3 साल की सजा सुनाई हुई है। ये मामला साल 2019 का है, जब उस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे। सपा नेता आजम खान उस वक्त एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए रामपुर के मिलक विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे। आरोप है कि उस चुनावी सभा में कथित रूप से आजम खान ने आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी, जिसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। आज तक वो जेल के चक्कर काटते हैं और उन पर कई केस भी दर्ज किए जा चुके हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।